हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन नाई आप थॉट्स इन इंग्लिश एंड आज uh, मेरे ख्याल से नाइन्थ का आई स्टूडेंट्स uh, का इंग्लिश का एग्ज़ाम है और सबको बेस्ट ऑफ लक यू आर मोस्ट वेलकम इन आप थॉट्स इन इंग्लिश और uh, मैं रेनू और आज आपको क्लास नाइन्थ इंग्लिश बी हाई पोम नंबर थ्री रेन ऑन द रूफ के हम कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर वन वेन ह्यूमिड शेडोज हॉवर जब ह्यूमिड का मीनिंग पानी से भरे हुए छायाएं हॉवर हॉवर का मीनिंग मंडराती है ओवरऑल द स्टारी स्फीयर्स तारों भरे आसमान के अंदर एंड द मिलंकली डार्कनेस और दुख से भरा अंधेरा जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स और धीमे धीमे आंसू बहाता है रेनीटियस बारिश के पानी के रूप में आंसू जो है बहते हैं जो बारिश गिर रही है वो आंसू माने जाते हैं तो यहाँ पर सोनिफिकेशन है क्योंकि जो बादल हैं उनको रोते हुए जनरली बहुत धीमे से रोते हुए ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करते हुए दिखाई जा रहा है नाउ व्हाई आर द शैडोज ह्यूमिड शेडोज हैं वो ह्यूमिड क्यों हैं द शेडोज आर ह्यूमिड बिकॉज दे आर फुल ऑफ रेन शेडोज छाया जो है बादलों की वो भरी हुई क्यों हैं क्योंकि बारिश से भरी हुई हैं वॉट इज स्टार स्पीयर स्टार स्पीयर क्या होता है स्टार स्फियर क्लस्टर ऑफ स्टार्स तारों का झुंड या समूह विच पॉटिक डिवाइसिस आर यूज इन थर्ड एंड फोर्थ लाइन ये देखिए तीसरी और एंड द मिलानकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स ये थर्ड और फोर्थ लाइन है और इनके अंदर मैंने आपको बताया परसोनिफिकेशन है क्यों क्योंकि बादल ह्यूमन बींग की तरह पर्सन की तरह उनकी एक्टिविटी है नाव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिलानकली मिलानकनी का मीनिंग होता है सैड sad, सैडनेस हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब डार्कनेस डार्कनेस को पोइट ने कैसे डिस्क्राइब किया है द डार्कनेस इज़ फुल ऑफ सैडनेस दार्कनेस इज मिलानकलिक मिलानकलिक का मतलब फुल ऑफ सैडनेस आप ये भी कह सकते हैं द डार्कनेस इज अ फुल ऑफ सैडनेस नंबर टू एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स शिंगल्स क्या होते हैं लकड़ी के फट्टे तख्ते होते हैं जिनसे छतें बनी हुई होती हैं टिंकल का मतलब होता है आवाज़ जब भी पानी की आवाज़ छत के ऊपर या किसी लकड़ी लोहे के ऊपर पड़ती है और टिंग टिंग की आवाज़ होती है हैज़ एन इको इन हार्ट और गुंजती है दिल के अंदर थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज़ और सपने की बहुत सारी इमेजिनेशन हज़ारों इन टू बिजी बींग स्टार्ट एकदम एक के बाद एक के बाद एक आना शुरू हो जाती है ना हाउ इज़ टकल कॉस्ट ये आवाज़ कहाँ से आती है इट इज़ कॉस्ट ड्यू टू रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ क्योंकि छत के ऊपर जैसी ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं तभी आवाज़ आती है हाउ डज द पोइट फील वेन ही इज द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स पोइट कैसा महसूस करता है जब वो बारिश की आवाज़ को सुनता है ही फेल्ट नोस्टलैजिक नॉस्टलेजिक कमीनिंग वो यादों में डूब जाता है दैट ही वॉज ड्रॉन्ड इन द मैमरीज ओके वॉट इज द मीनिंग ऑफ फैंसीज फैंसीज का मीनिंग है विचार थॉट वॉट इज द मीनिंग ऑफ शिंगल्स ए शिंगल्स मीन्स वुडन टाइल्स ऑन द रूफ जैसे टाइलें होती हैं वैसे ही लकड़ी के तख्ते होते हैं छत के ऊपर लगे हुए होते हैं छत के ऊपर लेंटर नहीं होता और लकड़ी के तख्तों से उसको बनाया जाता है वट इज द साउंड ऑफ रेन रेनड्रॉप्स डू बारिश की जो बूंदे हैं वे क्या करती हैं दे कि स्टार ड्रीम एंड फैंसीज वह एकदम लाना शुरू कर देती हैं Uh, सपने और यादें दे क्रिएट इको इन द पोएट हार्ट और वह एक गूंज पैदा कर देती हैं इको का मतलब होता है रेजोनेंस एक गूंज पैदा कर देती हैं पोएट के दिल में नंबर थ्री व्हाट आर ब्लेस टू प्रेस द पिलो और कितना ब्लेस का मीनिंग कितनी हैप्पीनेस कितनी खुशी आती है तकिया uh, uh, सर के नीचे तकिया को दबाने में बूंदों की आवाज़ की पट -पट की होती है और मैं सुनता हूँ बारिश की आवाज़ ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड अपने सर के ऊपर बड़ी ही मुलायम मधुर आवाज को मैं सुनता हूँ विच फिगर ऑफ स्पीच हेड been यूज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में प्रेस द पिलो पी पी की जो है वो हम रिपीटिशन uh, हो रही है अल्फाबेट तो ये एलिट्रेशन है वट डज द पोइट फाइंड ब्लिस इन पोइट को किस में खुशी मिलती है द पोइट फाइंड ब्लिस इन पुटिंग हिज हैड ऑन अ पिलो पोइट को खुशी मिलती है जब वो अपने सर को तक या के ऊपर रखता है एंड लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन और बारिश की पटपट आवाज को सुनता है वाई इज पोइट्स एक्शन इज ब्लिस पोइट का जो एक्शन है वो खुशी से भरा क्यों है द पोइट्स एक्शन इज ब्लिस बिकॉज इट

वीफ दे आर एयर थ्रैड इंटू वूफ और हवा जो है धागे बुनती है वूफ लूम के ऊपर लूम क्या क्या होता है जो हम हाथ से चलाते हैं जिससे कि हथकरघा होता है जिससे कि हम कपड़े जो है कपड़ा बनाते हैं एज ए लिसन टू द पैटर्न जैसे ही मैं पटपट -पट की आवाज़ सुनता हूँ ऑफ द रेन अपन द रूफ और छत के ऊपर बारिश की आवाज़ सुनता हूँ वॉट वीव्स एयर थ्रैड्स इंटू वूफ क्या हवा जो है क्या बुनती है धागे लेकर के लूम के ऊपर थाउजेंड रिकलेक्शन वीव एयर थ्रेड्स इन टू अ वूफ हज़ारों यादें जो है वो आ जाती हैं और उनका उनको जो है हवा जो है लेकर आती है और वो कपड़ा बुनना शुरू कर देती हैं एक तस्वीर बनानी शुरू कर देती हैं वट डज द पोइट लिसन पोइट क्या सुनता है ही पैटर ऑफ द रेन वह बारिश की पटपटाहट पत को सुनता है वट डज वूफ मीन्स वूफ का क्या मीनिंग है द्रेड्स वोवन इक्रॉस द लूम हथकरघे के ऊपर जो कपड़ा बुना जाता है चलाया जाता है उसे वूफ कहते हैं वेयर डज द रेन फॉल बारिश कहाँ गिरती है द रेन फॉल्स ऑन द रूफ बारिश गिरती है छत पर विच पोइटिक डिवाइस इज यूज इन एज अ लिस्सन टू द पैटर यहाँ पर पैटर वर्ड जो है वो बारिश की आवाज़ इसका मीनिंग नहीं होता कोई भी जितने भी साउंडिंग वर्ड्स होते हैं वो सब ओनोमेटोपिया होती हैं साउंडिंग वर्ड्स कौन से जैसे म्यू आउच थर्ड ये जितनी भी आवाज़ें हैं ये सब के सब जो हैं इनके मीनिंग नहीं होते हैं और ये सभी आवाज़ें जो हैं वो ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच कहलाती हैं ओके नाउ नंबर फाइव एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसेज और हज़ारों सपने की यादें एंडो बिजी बिंग स्टार्ट आना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, के बाद एक आती शुरू होती एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस और हज़ारों यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू टू वूफ और ह, जो हज़ारों यादें आकर हवा में धागों की तरह उड़ती हैं जैसे कि धागे धागे वूफ के ऊपर लूम के ऊपर लगे होते हैं और कपड़ा जिनसे बुनता है नेम द थाट्स दैट कम टू द पोइट्स माइंड इन द पोम पोइट के जो थाट्स हैं पोइट के दिमाग में जो आते हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है ड्रीमी फैंसीज हाउ आर द फैंसिस कॉज्ड ये जो विचार हैं फैंसिस का मतलब थाट्स होता है ये विचार कैसे कॉज इनका क्या कारण होता है द फैंसिस आर कॉज बाय द साउंड ऑफ द रेन ये आती हैं बारिश की आवाज़ के जरिए वेन इट रेन्स वर्ल्ड डज द पोइट ड्रीम अबाउट जब ही बारिश होती है तो पोइट क्या सपना लेता है द पोइट ड्रीम्स अबाउट हिज पास्ट पोइट अपने भूतकाल का सपना लेता है वट इज़ बिजी बींग रेफर टू बिजी बींग यहाँ पर क्या है बिजी बींग का मतलब है मेमरीज कमिंग अ लाइफ वो यादें जो कि जीवित होकर के आती हैं विच पोइटिक डिवाइस इज़ यूज इन टू बिजी बींग स्टार्ट बिजी में बी और बी बिजी में बी और बींग में बी, बी ये है एलिट्रेशन ओके जहाँ पर अल्फाबेट्स की रिपीटिशन होती है ना नंबर सिक्स आज शी यूज इन ईयर्स गॉन बीते हुए वर्षों में जैसा कि मेरी माँ करती थी टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है डार्लिंग ड्रीम ड्रीमर्स हैं पोइट के सिबलिंग्स और मदर के चिल्ड्रन ठीक है तो उसके भाई बहन और जो मदर हैं पोइट और उसके भाई बहन उन उसके बच्चे हैं वो डार्लिंग ड्रीमर्स हैं एयर शील लेफ्ट दे द डॉन और वह सुबह होने से पहले उन्हें छोड़कर चली जाएगी ओ वाई सी हर फोन लुक ऑन में अरे मैं उन्हें देखता हूँ जो कि वो हम सबको मुझे प्यार से देखती हैं एज आई लिसन टू दिस रेफरें और मैं जैसे ही रेफरेन का मतलब था रिपीटिशन मैं इस रेफरेन को सुनता हूँ विच इज अप ऑन द शिंगल्स जो कि मेरी छत के ऊपर लकड़ी के फटों के ऊपर गिर रही है बाय द पैटर ऑफ द साउंड बारिश के पटपट के रूप में वॉट अर शी टू

होम डिट द मदर लुक एट मदर किसको देखती है मदर अपने सारे सोने वाले बच्चों को देखती है बच्चे सो रहे हैं और मदर उन्हें देख रही है वट डिड द पोइट सी पोइट क्या देखता है द पोइट सॉ हिज मदर्स फॉन्ड लुक ऑन हिम पोइट देखता है कि उसकी माँ उस उसे बहुत प्यार से देख रही है और ये नहीं क्लियर है इस पोम के अंदर कि पोइट की जो मदर है वो अलाइव है या डेड है सिर्फ इतना है कि वो पोइट के साथ इस समय नहीं है